खबर डिंडोरी जिले के समनापुर विकास खंड से है, जहां बमहनी में तालाब विस्तारीकरण के लिए स्वीकृत 9,50,000 की राशि का बंदर बांट करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तालाब में ना तो साफ सफाई की गई है और ना ही निर्माण कार्य करवाया गया। तालाब निस्तार के लिए 9.5 लाख रुपया आया था, 6 लाख मजदूरी भुगतान थी और 3,40,000 घाट निर्माण के लिए। इसमें से ये पैसों से कोई निर्माण नहीं किया गया और सरपंच और सचिव द्वारा पूर्व राशि को अपहरण करके वो अपने भ्रष्टाचार के उपयोग इस राशि को निकाल के ये लोग अपना जेब भर लिए सरपंच सचिव। गर्मी में पानी की समस्या होती है और हमको नहाने धोने में बहुत दिक्कत होती है। पीने के लाने वाला हूँ। यहाँ तालाब विस्तारीकरण के लिए 9,50,000 आए थे, जिसमें कोई काम नहीं हुआ है, न घाट निर्माण हुआ है, न कचरा साफ हुआ है, जिसमें मजदूरी भुगतान 6 लाख थी और घाट निर्माण के लिए 3,40,000 था, जिसमें कुछ नहीं बनाया गया है। 3 घाट बना के रख दिया गया है और जोड़ के उसी में पैसा निकाल गया है, पुराना जो घाट था उसमें।